अब यहाँ गरीब नागरिक हम लोग 15-20 साल से बसे हुए हैं। 20 साल में कम से कम नहीं कुछ तो 20 बार तो फ्लड आ चुका है, बाढ़ आ चुका है। अब जमीन उमीन तो है ना हमारे भैया। क्या शुभ नाम है आपका? कैलाशो। कैलाशो। हाँ, जमीन नहीं है हमारे, बरेली में भी। अच्छा, तो जन्म पत्री है आपके पास? जन्म पत्री भी नहीं है उनकी। ठीक, बच्चे हमारे लड़का की जन्म पत्री ना नाती पोतन की है। अच्छा। हाँ, हम भी पहले तो भंगे नगर का जाति बालकन को तो कहाँ से लावे भैया, मजबूर है और कहूँ घर ना मराइया ना रोड पर। हम लोग हिंदुस्तान के रहने वाला है तो आप कहाँ भग के जाएंगे? हाँ। ये भी तो बताइए, कहीं अदर देश से नहीं आए जो वहाँ हम चले जाएंगे? साथ उनको हम मकान देंगे तो आज तक कहाँ दिया, आज तक कहाँ दिया उनको? उन बोला जो लिपिट के साथ हम मकान देंगे जो वोट दिया था उस पुर्जा के साथ, आज तक तो कुछ नहीं दिया मोदी जी। आज तो कुछ दिया नहीं गरीबों के, गरीब तो एक घर से 4-4, 5-5 वोट जाता है लेकिन देता कहाँ है उनको। तो साथियों, आज मैं आपको लेकर आया हूँ एक गाँव के अंदर जहाँ पे किसान है, खेत है, फुलवारी है, बहुत कुछ है। और आज हम यहाँ पे मुलाकात करेंगे लोगों से कि जो सबसे पुराने लोग हैं, जो यहाँ के बुज़ुर्ग लोग हैं, जो भारत के असली मालिक हैं, उन असली मालिकों से हम बात करेंगे। तो हम लोग मुलाकात करेंगे ऐसे लोगों से इस गांव जैसी जगह के अंदर के वाकई में लोगों के पास में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने कहा है कि उनके पास में जो कागजात होने चाहिए, क्या वो उन लोगों के पास में कागजात उपलब्ध हैं या नहीं, ये एक बड़ा मामला है। इसे लेके भारत के अलग अलग राज्यों में प्रोटेस्ट पर लोग बैठे हैं, यानी कि प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध हो रहा है। लेकिन उस विरोध को देखते हुए सरकार ने उन विरोधों को ख़त्म करने की कोशिश भी करी है। तो वहीं सरकारों का ये कहना है कि इन विरोधों को जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए और जो लोगों के पास में पुराने डॉक्यूमेंट होने चाहिए जैसे जन्म पत्री, जगह के पेपर, बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जिनके बारे में बताया गया है, क्या वो बुज़ुर्ग लोगों के पास में वो डॉक्यूमेंट उपलब्ध होंगे? क्या जो हमारे देश के असली मालिक हैं, किसान हैं, जो खेतों में रहते हैं, उन लोगों के पास में जो वाकई असली भारत के मालिक हैं, क्या उन लोगों के पास वो कागजात मिल पाएंगे? तो चलिए ऐसे ही कुछ बुज़ुर्गों से हम आपकी मुलाकात कराते हैं जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। क्या शुभ नाम है आपका? हमारे रामपरी नाम है। रामपरी जी, कितना उम्र है आपका लगभग? 62। 62 साल है। पति देव का नाम क्या है आपके? उपिंदर महतो। उपिंदर महतो। अच्छा, क्या आपके पास में अपने पिताजी का या किसी का आपका जन्म पत्री है? नहीं है जी। नहीं, पहले जमाना में नहीं बनता था। अच्छा, हमारा भी नहीं है जन्म पत्री, पहचान पत्र है, जन्म पत्री नहीं है जी। जन्म पत्री नहीं है? नहीं। आपके पिताजी का या पति का? किसी का नहीं है, वो सब पहले जमाना का नहीं रहता था, नहीं बनता था पहले। अच्छा, पहले जमाना में बच्चा घर में ही होता था। अजी, अजी। घर में ही होता था तो सर पहले का ये होता था, जो पहले की उम्र में जो बच्चा पैदा होता था घर में तो उनकी जन्म पत्री तैयार नहीं होता था। आज हमारी भी 40 साल का उम्र होने जा रहा है, 42 साल का, मेरा भी आज तक नहीं है तैयार इस चीज़ को, तो इस चीज़ को गवर्नमेंट आज ढूंढ रही है। तो सर हमारे पास तो बने नहीं है तो हम क्या साबित करेंगे सर? क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम सुशील जी है, सुशील यादव। क्या कहना चाहेंगे इस कानून के बारे में? इस कानून के बारे में तो ये कहेंगे सर, ये कानून हमारे वापसी लिया जाए सरकार को, ये कानून हमारा लागू नहीं होगा हमारे पास। इसलिए जो जिस आज हमारी 40 साल 45 साल का उम्र होने जा रहा है, जब हम लोग को उम्र का लौंडे को आज तक नहीं उसका जन्म पत्री बना, तो अब बच्चे को जब हमारा लड़का भी तैयार है 16 साल 18 साल का 16 साल का 15 साल का, तो उनकी तो बना हुआ है, हमारी तो है ही नहीं, तो हम क्या दिखाएंगे? साफ कराया लेकिन गरीबों का रहने की व्यवस्था नहीं है, ये तो नहीं कराती है। हम लोग के झुग्गी झोपड़ी के मकान चाहिए, रहने के व्यवस्था, पानी चाहिए, शौचालय चाहिए। ठीक है, ये है मुद्दे की बात। शौचालय चाहिए जी, रहने के व्यवस्था, पानी चाहिए, पीने के, नहाने धोने का। ठीक है, ये हाँ। असली मेन चीज है। हमारे पास तो वो नहीं बना हुआ, लड़के के सबका बना हुआ है, हमारे लड़के भी 30-25 साल के है, हमारे नहीं बना हुआ है जन्म पत्री। नहीं जी सर, सुनने पहले वो चलता ही नहीं था, सुनने हमारे 52 साल उम्र हो गया, सुनने उसमें
कोई वो उतना नहीं चलता था इसमें। लेकिन मोदी जी और अमित शाह जी कह रहे हैं कि पेपर तो दिखाना पड़ेगा वो पुराना वाला। ठीक है तो कोई ऐसा कानून लाइए बनवाते हैं। ओके लड़के के है पोता पोती के सबका है इसमें, हमारे है ही नहीं। अब कानून लगाते तो बनाते हैं। वो कहीं नहीं बनाने का कानून नहीं है तो अगर आपके पास में नहीं है नहीं है जी जिसमें तो फिर कैसे आप भारत के नागरिक कैसे साबित? अरे बताओ कैसे कह रहे हैं, हम 20 साल से वोट दे रहे हैं हमें कह रहे हैं वोटर कार्ड नहीं माना जाए। अच्छा वोटर कार्ड आधार कार्ड जी तो पासपोर्ट मान्य नहीं होगा। हाँ बोलिए फिर जन्म आप बनाइएगा तब ना, हमारे पास तो है ही नहीं। साथ उनको हम मकान देंगे तो आज तक कहाँ दिया, आज तक कहाँ दिया उनको? उन बोला डेढ़ लिफिट के साथ हम मकान देंगे जो वोट दिया था उस पूर्जा के साथ। आज तक तो कुछ नहीं दिया मोदी जी, आज तो कुछ दिया नहीं गरीबों के। गरीब तो एक घर से चार चार पांच पांच वोट जाता है लेकिन देता कहाँ है उनको? वोट तो उन ले लेते हैं, देता कहाँ है? मेरा नाम है मुन्नी देवी, रंजीत रावत। रंजीत रावत जी, मोदी जी के हम क्या कहें, हमारे तो यहाँ पहचान पत्र था वो कैंसिल कर दिए, वोट गिराने नहीं था झुग्गी झोपड़े वाले के। ठीक है तो अभी क्या क्या अगर जैसे आपको ये बोला जाए यहाँ पे इंक्वायरी हो या कुछ भी हो, उनसे ये पूछेंगे कि आप भारत के नागरिक हैं, आप नागरिकता कैसे सिद्ध करेंगे? नहीं हमारे पास नहीं है। नहीं है? मेरे मम्मी को मम्मी जानते होंगे, हम तो नहीं जानते ये चीज़ तो हम नहीं जानते। हम तो यही कहते हैं कि झुग्गी झोपड़े वाला, हम लोग गरीब आदमी है, झुग्गी झोपड़ा में रहने वाले हैं, हम लोग के कहूँ व्यवस्था दिया जाएगी। ठीक है। और पानी नहीं है, ऐसी लाइटिंग में खुले में रहते हैं। ठीक है, समस्याएं हैं यहाँ। हाँ ठीक है। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम है विकास कुमार। विकास कुमार, जो आप कानून के बारे में अभी बात कर रहे थे, जी सर, क्या कानून है वो? कानून के बारे में तो यही है, मेरा पिताजी तो मूर्ख था, उस जमाने में बनता नहीं था। जब ये हुआ तो मोदी जी, जब हम बिहार के रहने वाला है तो हमारे पास नहीं है तो हम कहाँ भाग के जाएंगे? ये कानून तो वापस लेना चाहिए। ठीक है, अपने मन से मोदी जी जो करना कर देगा तो थोड़ी हो जाएगा। ठीक है, तो किसी की भी जन्म पत्री नहीं है? उस जमाने में बनी नहीं रहा था, तो जब पढ़े लिखे ने आदमी अनपढ़ था तो कहाँ से बनेगा? ठीक है, तो क्या होगा उन लोगों का, क्या वापस लिया जाएगा? नहीं, कानून तो मोदी जी और अमित शाह जी कह रहे हैं हम इस कानून को वापस नहीं लेंगे। तो हम लोग हिंदुस्तान के रहने वाला है तो आप कहाँ भग के जाएंगे? हाँ। ये भी तो बताइए। ठीक है, कहीं अदर देश से तो नहीं आए जो वहाँ हम चले जाएंगे? क्या कानून का तो मैसेज यही देना चाहिए, जो अब बन रहा है उसको बनाना चाहिए, सभी को बनना चाहिए, और क्या होगा? जिसका नहीं भी बना उसका भी बनना चाहिए, मतलब पेपर बनने चाहिए, पेपर बनने चाहिए, पहले पेपर बनाने चाहिए। हाँ, कानून बनाना चाहिए। सुनीता जी, कारण है जो बिहार में नहीं पेट भरा, जब ही तो ये दिल्ली शहर में भटक भटक के जंगल में कमा खा रहा है। ठीक है, फिर भी अब यहाँ पर सरकार जी कोई सुविधा नहीं है तो क्या किया जाए? अब पुराना पेपर सर कहाँ से लेके आओ जी? जब कहीं कभी बना नहीं है, ये तो नहीं जो कहीं खो गया, जल गया, झूल गया, बन भी नहीं किया, कोई बनाए भी नहीं करते थे, जब तो कैसे आ जाएंगे? ठीक है, क्या कहना चाहेंगे मोदी जी को और अमित शाह को कानून? मोदी जी को सरकार वोटे के, जब वोट होने वाला रहता है तो कहता ये मिलेगा वो मिलेगा, वोट हो जाता तो सब अच्छा से सो जाते हैं, कुछ नहीं मिलने की लालच रहते हैं, वोट लेने के चक्कर में इतना लालच देंगे जो पब्लिक पागल होके मर जाएंगे। कुछ मैसेज देना चाहते हैं आप देश के लोगों को? मैसेज देने चाहेंगे ऐसा ही, जो ऐसे ऐसे वीडियो कैमरा बहुत यहाँ पर से घिंच घिंच के गए लेकिन कुछ नहीं हो पाए। जब भी वीडियो के वैल्यू देंगे, इसीलिए जो कोई रहने के व्यवस्था देंगे, जब ही तो सरकार आगे चल के कोई काम लेंगे पब्लिक से। ठीक है, जो इस वक्त देश के अंदर कानून बन रहा है, पुराने कागजात पुराने डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं, क्या कहना है और क्या शुभ नाम है आपका? शुभ नाम तो मेरा राममूर्ति। राममूर्ति जी, ठीक है। ठीक, इंदिरा गांधी मरी 84 साल में तबकी में आई वही हो, इस खेत में बूढ़ी हो गई, आज तक गवर्नमेंट ने कुछ दिया ना, अब क्या देगी? ठीक, बच्चे हमारे लड़का की जन्म पत्री ना नाती पोतन की है। अच्छा, हाँ हम भी पहले तो भंगे नगर का जाति बालकन को, तो वह कहाँ से लावे भैया, मजबूर है और कहूँ घर ना मराइया ना रोड पर, हाँ कुछ ना तो गवर्नमेंट ने एक कपड़ा ना दिया ना कोई सुधे लाइनों का, नहीं पानी का डाम है ये। तो अभी जो मोदी जी से और अमित शाह जी से क्या मैसेज देना चाहते हो, क्या कहना चाहते हो? क्या कहना चाहते, जो तो करिए देखे बालकन को छठे तो बनाई देख, गरीब आएगी देख के। ठीक भैया, पैसे तो हमारे पास है ना, तो मजूरी कर रहे, देखा तो दुख रुपया देख लो, चल रही है वहाँ
10 रुपया मजूरी पे थे, आज 200 रुपया पे आए हम। हम हाथ जोड़ के कह रहे हैं मोदी से कि हमें मकान दे रेखा हूँ, तो बहुत ही बढ़िया बात है। ठीक है, अब जमीन उमीन तो है ना हमारे भैया। क्या शुभ नाम है आपका? कैलाशो। कैलाशो, हाँ। जमीन नहीं है हमारे बरेली में भी। अच्छा, तो जन्म पत्री है आपके पास? जन्म पत्री भी नहीं है उनकी। क्या पुराने कागजात है आपके पास? अब पुराने कागजात क्या है, कोई भी नहीं है पुराने कागजात। जब जमीन होगी तभी तो पुराने कागजात होंगे। चलिए जमीन को छोड़िए, जन्म पत्री वगैरह कुछ हो। जन्म पत्री बनवाई ना तो फिर हाँ ठीक। तो अब जो सरकार कह रही है कागजों के बारे में, तो आप क्या कहना चाहते हैं मोदी जी से? मोदी जी से क्या कहना चाहते हैं, कोई घर बसा दे, कहीं ठिया कर दे, है ना? नहीं, सबसे पहले तो भारतीय नागरिक हो गए, उसके बाद में बात आगे चलेगी। क्या आप ये साबित कैसे करोगे कि आप भारत के नागरिक हो? तो हमारा तो आधार कार्ड और जो ही के एलआईसी तो बच्चों ने ही कराई, हमारी तो कोई मतलब नहीं, मतलब पुरानी कोई भी नहीं है। नहीं, हमारा सुंदर क्या है सर जी, अब जो मान लो कि आज से 50 साल पुराने कोई जन्म पत्री खोजे और चाहे वो भी खोजे। शुभ नाम क्या है? नाम हमारा नंदू प्रसाद केवट है। नंदू प्रसाद केवट जी, आपसे पुराने भारतीय होने के कागजात मांगे जाएंगे, तो आपके पास में ऐसे क्या कागजात हैं जिनसे आप अपनी नागरिकता सिद्ध करेंगे? पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड को छोड़ के इसके अलावा क्या कागजात हैं आपके पास? मेरे पास सिर्फ एक LIC जीवन बीमा है, एक कागज दिल्ली का है। कब का है ये? हो गया कम से कम 15 साल पूरा हुआ। बस 15 साल को, उससे पुराने जो कागजात? उससे पुराने आपकी जन्म पत्री, आपके पिताजी की जन्म पत्री? मेरा पिताजी का जन्म पत्री, हमारा पिताजी पहले कलकत्ता में था डेक लेबर बोर्ड में, वो कहीं भी हो भारत में? हाँ, भारत में नागरी में है, वेस्ट बंगाल में। जी हाँ जी, तो वहाँ के उनको बने होंगे। राशन कार्ड तो मैंने देखा था, और जो उनका आईटी प्रूफ जो उनका जो था वहाँ का बना हुआ, यहाँ के भी हमारे आईटी प्रूफ बने हुए हैं 2002 ही का। अब प्रेम तो उनका कोई चलता बलता नहीं है। पुराने कागज, उससे पुराना कागज मैं यार कुछ नहीं दे सकता। कुछ नहीं दे सकते? नहीं दे सकते। तो क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना ये चाह रहे हैं कि जो और अमित शाह जी से क्या कहना चाहेंगे इस कानून के बारे में, भविष्य में कानून जब आएगा, जब ये डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे, तो आप क्या कहेंगे? क्या ये जो कानून जो हमारा मोदी सरकार जो बना रहे हैं, कह रहे हैं ये कानून हर इंसान के पास इतना प्रूफ नहीं पड़े हुए हैं कि हर इंसान इनको पूरा कर सकते हैं। अब ये जो कानून से बनाए हुए हैं, ये कानून के मान नहीं सकते हैं। अब चाहे जो मोदी सरकार कुछ भी कर रहे हैं अपनी तरफ से, हम लोग जनता तो कुछ कर नहीं सकते हैं। अब यहाँ गरीब नागरिक हम लोग 15-20 साल से बसे हुए हैं, 20 साल में कम नहीं कोई तो 20 बार तो फ्लड आ चुका है, बाढ़ आ चुका है, उसमें हम लोग झुग्गी झोपड़ा में कोई सुविधा नहीं। हर तीसरे चौथे साल में आकर के बुलडोजर चला जाते हैं, कितना किसान की फसल बर्बाद हो जाता है, उसका कोई मुआवजा नहीं मिलता है। बेगुना किसान मारे जा रहे हैं बेमौत, उनके लिए कोई सरकार की कोई सूचना नहीं है। अब ये देखिए कि मान लो कि पिछले दूसरे महीने में जो बुलडोजर चला, उसमें किसान को बता रहे हैं कि 20 बीघा गोभी जोत गया। अब बताओ किसान मरेगा कि जिएगा सर, हमको बताओ ना। उसको 1 रुपया कुछ दिया गया मुआवजा, ना ही उसको सरकार उसके लिए कुछ सोचा, ना ही उसके लिए सरकार उसके लिए कुछ कहा कि क्या इसके लिए क्या निर्णय होना चाहिए, गरीबों को ऐसे क्यों मारा जा रहा है। आप बताइए इसमें और क्या हम कह सकते हैं। और खुद ही मोदी सरकार कुछ सोचने वाले इंसान है, वो खुद दुनिया का वो बने हैं, तो खुद सोच समझ के अपना जो भी कानून बनाते हैं। लेकिन ये कानून तो हम लोगों के लिए देखा जाए तो बहुत इंसान के बेचारा बेरोजगार बन जाएंगे, ये हालत से को खोजेंगे तो जी। सब तो हमारा तो भारतीय नागरिक लोग हैं, लेकिन कैसे सिद्ध करेंगे कि आप भारतीय हैं, क्योंकि उसके लिए पुराने पेपर चाहिए। पुराना पेपर तो यही मिलेगा कि जो हमारा जो बिहार का है जो वो मिल सकता है, पुराना पेपर में 2000 रिकॉर्ड का ये दिखा सकते हैं। भी भारत में ही है भैया। हाँ है भारत में सर, भी भारत का होना लेकिन चाहिए। सर जो हमने जो बता रहा हूँ कि जो रिकॉर्ड हमारा पुराना कागज जो बता रहे हैं पूछ रहे हैं हमारे को, तो पुराना तो 2002 के हमारे पास राशन कार्ड भी है, पहचान पत्र भी है, और जब है नहीं तो उसके अलावा तो हमारा तो कोई रजिस्ट्री कोई कागज। कहना चाहेंगे कानून के बारे में कोई मैसेज देना है? उसको रिजेक्ट कर दिया जाए कानून जो बना रहे हैं। ये जो मांग रहे हैं कि 91-92 का जो राशन कार्ड या प्रूफ या माने जी जन्म पत्री, ये कहां पहले पत्री तो चली नहीं रहते, पत्री तो मैं 15-16 साल पहले से बच्चों को देखा हूं कि चलो उसमें जन्म पत्री बच्चे का बन रहा था स्कूल के एडमिशन के लिए। ठीक है सर, धन्यवाद धन्यवाद। मैं तो क्या शुभ नाम है सर आपका? मेरा संजीत है। क्या कहना चाहते हैं आप, ये जो CAA और NRC कानून भारत में, जो CAA तो लागू हो गया है और भविष्य के अंदर NRC आएगा या नहीं आएगा, लेकिन अगर भविष्य में आता है तो जो एविडेंस है भारतीय नागरिक साबित करने के वो दिखाने होंगे, क्या कहना है आपका? मेरा ये कहना है कि जो
पहले जो बता रहे हैं कि पहले जो उन लोगों के पास जन्म पत्री नहीं होती थी वो जन्म पत्री कहाँ से दिखाएंगे, मेन चक्कर तो ये है। दादा पर दादा का कौन जानता है, मेरे दादाजी और मेरे दादाजी इस यहाँ पे धरती में पैदा हुए तो उनके पास तो माइक अपने पास रखे, वैसे तो किसी के पास जन्म पत्री है ही नहीं, वो कहाँ से देंगे। तो यही कहना चाहता हूँ जो कि जो आप कानून लागू कर रहे हैं उस कानून को रद्द किया जाए और जो लोग बेरोजगार हो रहे हैं उन्हें रोजगार दिया जाए और शिक्षा में सुधार किया जाए, जो किसान लोग मर रहे हैं उस किसान को भी देखा जाए कि किसान कहाँ से कहाँ क्या हो रहा है, उन लोगों के साथ सुतेला व्यवहार किया जाता है, लोग चुनाव में आते हैं उन लोगों को उल्टा सीधा कह के चले जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री क्या मानते हैं कि जो इस वक्त जो देश के अंदर हालात चल रहे हैं क्या वो देश के असल मुद्दों से रोजी रोटी बेरोजगारी इन सबसे भटकाने की कोशिश है? बिल्कुल भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, जो चीज उन्हें देना चाहिए वो दे नहीं रहे। बीच में भी कहते हैं कई लोगों को हम रोजगार देंगे, लेकिन रोजगार के साथ साथ में महंगाई भी हो गई, लेकिन उस चीज को मुद्दा को भटकाते में इसमें अड़ा दिया है, ये गलत है। आप एक ऐसी जगह है जहाँ खेत है, बहुत सारे किसान है, हर साल लगभग 12 से 13 हज़ार जो किसान है वो आत्महत्या कर लेते हैं। बिल्कुल करते हैं जी, के लिए किसी कर्ज, की फसल कर्ज उन पे बहुत ज्यादा कर्ज है, वो कहाँ से देंगे, गरीब आदमी है वो लोग कहाँ से कर्ज दे पाएंगे, इसलिए जो है उनको भी देखा जाए। तो यही है कि मैं ये चाह रहा हूँ कि जो कानून आप ला रहे हैं उस कानून को रिजेक्ट किया जाए। जी आपने कुछ लिखा भी है, क्या मैंने ये लिखा है, मैं संदेश देना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी जी अमित शाह जी व्यक्ति सत्य को जानते हुए भी लोभ का परित्याग नहीं करते हैं, तो मोदी जी अमित शाह जी जैसा व्यक्ति सत्य को जानते ही नहीं, वे अहंकार में जीते हैं और जहां अहंकार का भय उपस्थित हो वहां सुख कैसे रह सकता है, सुख कैसे रह सकता है। ठीक है, ये मैं संदेश देना चाहता हूँ कि इस चीज़ को परित्याग कीजिए और लोगों गरीब लोग भटक रहे हैं जो रोड पे आ रहे हैं उनको देखिए, क्योंकि समस्या बहुत गंभीर हो गए, लोग डरे हुए हैं, लोग क्या करेंगे, यहाँ तक तो सोच रहे हैं कि आत्महत्या भी हो सकता है, कई लोग मर भी जाएंगे। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कहता हूँ इस कागज़ को जो फाइल को आप 3-4 जो फाइल आप पास कराए हैं उसको रिजेक्ट किया जाए राष्ट्रपति के द्वारा, और मैं यही चाहता हूँ कि लोग गरीबों को देखा जाए। जहाँ एक तरफ ये बात हो रही है कि हम बाहर से जो CAA कानून है वो नागरिकता देने का है, विदेश से लोग आएंगे उन्हें भारत का नागरिक बना दिया जाएगा, लेकिन जो भारत के अंदर लोग सड़कों पर सो रहे हैं जिनको खाने के लिए रोटी नहीं है उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ जो भारत में है वो भारत में दिया जाए, बाहर से लाने की क्या जरूरत, इतना तो आदमी पूरा बहुत लोग करोड़ों मान के चलिए 1 करोड़ 30 लाख 1.25 करोड़ है, 1.25 करोड़ इतने संख्या को और बढ़ाना चाह रहे हो तो इसमें तो बोझ बढ़ जाएगा, भारत देश पे और बोझ बढ़ जाएगा, जो बाहर से और लाएंगे तो 1.25 करोड़ से बहुत लोग हो जाएंगे, तो वहाँ से कैसे सरकार चलाएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो बात है भारत की जनता को मूलभूत सुविधाएं देने की, और वहीं लोगों के अंदर ये नाराज़गी है कि जब हमारे देश के लोगों को रोजी रोटी रोजगार नहीं मिल पा रहा, लाखों गरीब लोग सड़कों पर सोते हैं जिन्हें रहने के लिए छत नहीं है, उनके घर पे आशियाना नहीं है, तो विदेश से लोगों को लाकर मोदी जी या अमित शाह जी आखिर आप क्या करने वाले हैं? सवाल बड़ा है कि जब देश के अंदर हमारे नागरिक खुद एक जगह अच्छी तरह नहीं रह सकते तो विदेश से जो लोग आएंगे आखिर उनको मोदी जी कहाँ रखेंगे? सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जब देश के नागरिक को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही तो आखिर विदेश से लोगों को बुलाने का ये क्या मामला है? ये सवाल हम आपके साथ छोड़ जाते हैं, आप भी बताइए कि इस भारत के अंदर जो लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, जैसा कि इस वक्त हम खेत में मौजूद हैं, हर साल NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का यह आंकड़ा होता है कि लगभग 12 से 13 हज़ार किसान आत्महत्या कर लेते हैं, आत्महत्या करने का कारण उनका सबसे बड़ा होता है कर्ज माफी या फसल का बर्बाद हो जाना, लेकिन ऐसे मामले के अंदर भी अगर मोदी जी या अमित शाह भारत के अंदर विदेशी लोगों को लाना चाहते हैं और यहाँ की नागरिकता देना चाहते हैं तो सवाल ये खड़ा होता है कि जो भारत के नागरिक हैं, जो भारत के अंदर अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है या जो भारत के अंदर लोग असली भारत के मालिक हैं उनका क्या होगा? अगर आप हमें पहली बार हमारे चैनल पर देख रहे हैं तो लाल बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें जो नीचे घंटे का बटन है, जिससे कि हमारी हर आने वाली पहली वीडियो आप तक पहुंच जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया।